आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन होगा, जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने बात की थी प्रावस्थाओं का संतुलन वक्र बनाया था। प्रावस्थाओं के संतुलन वक्र को डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखना, अवकल समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन कहलाता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रावस्था संतुलन वक्र जो है, प्रावस्था संतुलन वक्र जो है, इसी को अवकल समीकरण के रूप में अगर लिखें तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन कहलाता है। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर थोड़ा देखो, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, अपन एक ग्राफ खींचा था या फिर प्रावस्था संतुलन वक्र बनाया था और उसमें ये लिखा था P और ये लिखा मैंने T लिखा, और वो ग्राफ यूं आया था। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। ये क्या था, प्रावस्था संतुलन वक्र था। इसके अंदर कोई दो चार पॉइंट ले लूँ, A, B, C और ये ले लिया D पॉइंट ले लिया। मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, डेफिनेशन क्या थी कि प्रावस्था संतुलन वक्र को के अवकल समीकरण को ही क्या कहते हैं, क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन कहते हैं। ठीक बात ना, माना कि B पर जो प्रेशर है वो P है और टेम्परेचर क्या है, T है। बिंदु C पर जो प्रेशर है वो माना कि P प्लस dP है या डेल P है, और टेम्परेचर है वो T प्लस dT है। ठीक बात ना, तो देखो मैं लिखूंगा प्रावस्था संतुलन वक्र, प्रावस्था संतुलन वक्र के बिंदु P पर, बिंदु B पर संतुलन के लिए मैं क्या लिखूंगा, शॉर्ट में लिखा था G1 बराबर G2, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेता हूं, G1 यानी TP दैट इक्वल टू क्या आना चाहिए, G2 इक्वल TP। ये अपन कर चुके हैं कि स्मॉल G1 और G2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। फिर बाद में बात करते हैं बिंदु सी पर, बिंदु सी पर, सी पर भी G1 और G2 बराबर होने चाहिए, लेकिन वहां का टेम्परेचर अपन और लिखेंगे। माना G1 प्रेशर क्या है, P प्लस dP और T प्लस dT, दैट इक्वल टू क्या लिखूंगा, G2 P प्लस dP और T प्लस dT, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक बात ना, माना जब आप B से C पर जाते हो तो G1 के मान में जो परिवर्तन होता है वो DG1 होता है, और G2 के मान में जो परिवर्तन होता है वो DG2 होता है। तो इसी समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, G1 TP या PT प्लस DG1 इक्वल टू G2 TP प्लस DG2, ये लिखा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से अपन देखते हैं कि ये दोनों तो हैं बराबर, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा DG1 इक्वल टू DG2, और ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई, 4 आ गई। आप लोग जानते हैं, वी नो दैट जी आई, यहाँ दो प्रावस्थाओं के लिए I1 और 2 लिख लेंगे अपन। ठीक बात है ना, दैट इक्वल टू EI माइनस TSI प्लस PVI। यहाँ पर ध्यान दिया हो, T और P के I नहीं लगाया, क्योंकि ये ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, तो P और T उतना ही होगा जितना ऊष्मा भंडार का होगा। ठीक बात ना, इसके बाद में ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो ये बताओ, I का मान या तो 1 होगा या 2 होगा। प्रावस्था नंबर 1, फेज नंबर 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2 लिख देंगे अपन। ठीक बात ना, फिर बाद में अपन बात कर लें प्रति अणु, प्रति अणु अगर बात करते हैं
तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा स्मॉल जी आई इक्वल टू जी आई अपॉन एन आई। एन आई माना कि टोटल पार्टिकल है उनके अंदर, ठीक बात ना। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, जी आई की वैल्यू रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका ई आई अपॉन एन आई माइनस टी एस आई अपॉन एन आई और प्लस पी वी आई अपॉन एन आई, ये कर सकते हैं। ये क्या है, ये प्रति अणु एन से डिवाइड है, प्रति अणु है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इस एप्सिलॉन आई अच्छा माइनस टी, इसको स्मॉल एस आई लिख दिया अच्छा, प्लस पी और इसको स्मॉल वी आई लिख दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये ई आई जो लिखा है ये प्रति अणु ऊर्जा है, एस आई जो लिखा है वो प्रति अणु एंट्रोपी है, वी आई ये भी क्या है, प्रति अणु वॉल्यूम है, ठीक बात ना। तो ये आपका कितना आ गया, जी आई आ गया। अब अपन बात करते हैं डी जी आई यानी अवकलन करने पर डी जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका तो मैं करूँगा डी ई आई माइनस टी डी एस आई, फिर टी का करूँगा माइनस एस आई डी टी, फिर ऐसे ही पी डी वी आई और प्लस वी आई और डी पी। ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिखी 5। ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से अपन लोग जानते हैं टी डी एस आई, या शॉर्ट में लिख दो टी डी एस इक्वल टू होता अपना डी ई और प्लस पी डी वी, ये होता है। यहां मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, टी डी एस आई इक्वल टू डी एप्सिलॉन आई या ई आई प्लस पी डी वी आई, समीकरण 5 में रखने पर, आप वहीं पे देख सकते हो कि टी डी एस आई ये इसके बराबर है, ठीक बात ना। तो टी डी एस यहाँ पर माइनस का है और डी ई आई और पी डी वी आई ये दोनों क्या हैं, प्लस के, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका प्राप्त हो गया डी जी आई इक्वल टू माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी, ये हो गया अपना। यह मान समीकरण 4 में रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 4 है dg1 upon dg1 = dg2, तो वैल्यू पुट करो माइनस एस वन डी टी प्लस वी वन, यहीं से कर रहा हूँ, वी वन डी पी दैट इक्वल टू माइनस एस टू डी टी और प्लस वी वन डी पी। पी वाले टर्म को एक साइड में ले रहा हूँ, टी वाले टर्म को एक साइड में ले रहा हूँ, तो ये इस साइड में लेके आऊँगा, तो ये आपका बन जाएगा एस टू माइनस एस वन डी टी दैट इक्वल टू, ये दोनों साइड ये टू है क्योंकि डी जी टू लिखेंगे, इस साइड में आ जाएगा वी टू माइनस वी वन और डी पी। और यह इसी इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी, ये लिखा डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ से देखो डी पी अपॉन डी टी करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो ये आ गया आपका एस टू माइनस एस वन अपॉन वी टू माइनस वी वन। ये समीकरण नंबर 5 या 6 जो भी आई है, शायद 6 नंबर दे दिया। अब देखो अपन लोग जानते हैं ऊष्मा गतिकी का जो नियम है दूसरा, या फिर एंट्रोपी की परिभाषा से देखो अपन क्या जानते हैं, एंट्रोपी की परिभाषा से अपन जानते हैं डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। यहाँ डी क्यू की जगह क्या लिखूँ, अवस्था 1 से अवस्था 2 में जा रहे हैं, अवस्था 1 से अवस्था 2 में जा रहे हैं, ठीक बात है ना, अवस्था 1 से अवस्था 2 में जा रहे हैं,
जब आप नियत ताप पर अवस्था एक से अवस्था दो में जाते हो तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको, और गुप्त ऊष्मा को L से डिनोट किया जाता है। तो दैट इक्वल टू L 1-2, यानी गुप्त ऊष्मा है। 1-2 का मतलब है फेज 1 से 2 में जा रहे हो, या फिर 2 से 1 में आओ तो भी सेम हो जाएगा अपना। 1 से 2 में जैसे ठोस से द्रव में जाओगे तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, द्रव से गैस में, द्रव से ठोस में जाने पर ऊष्मा निकलती है। समझा गई बात मेरे हिसाब से। सेम ऐसे ही ds की जगह पर देखो, प्रति अणु तो अपना H2-S1 आ गया, लेकिन n की बात कर लेता हूँ, n अणुओं के लिए, अब तो आपका ये हो जाएगा, ठीक बात है ना, n आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर प्रति मोल की बात कर लें, प्रति मोल की बात कर लें, माना कि एक मोल के अंदर n अणु है, कैपिटल n अणु है, ठीक बात है ना। तो ये दोनों चीज़ यहाँ लिखूँगा तो ये क्वेश्चन आपकी चेंज हो जाएगी। n स्मॉल H2-S1, यहाँ थोड़ा गौर करना भाई, ये प्रति अणु है, ये कैपिटल n अणुओं की बात है। मैं प्रति मोल की बात करता हूँ तो कैपिटल n है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा अपना। दैट इक्वल टू L12/T, या फिर H2-S1 इक्वल टू L12/NT। यह मान समीकरण 6 में रखने पर, यह मान समीकरण 6 में रखने पर यह आपका आ जाएगा dP/dt इक्वल टू L12/NT भी है, एक V2-V1। गौर करो, H2-S1 की जगह रखा तो NT नीचे आएगा, ठीक बात ना। इसी को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, dP/dt इक्वल टू L12 तो है ही T, और इसको लिखा मैंने डेल V। यहाँ डेल V किसको लिखा है, डेल V इक्वल टू NV2-V1, या फिर मैं इसको लिखता हूँ L12 और TV2-V1, कैपिटल V है। इसमें वाले पर पार्टिकल शो कर रहा था। यह जो इक्वेशन आई है dP/dt ये बोल दो, या फिर ये बोल दो, यह क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन कहलाती है, क्लेपिरोन इक्वेशन कहलाती है। क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन का एक मुख्य उपयोग है कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो बात और करेंगे इसके एप्लीकेशन के रूप में। तो देखो, सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ। क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन क्या थी आपकी, dP/dt इक्वल टू थी L12/T∇V, ये थी। फिर पहली बात करेंगे गलनांक पर दाब का प्रभाव या क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर दाब का प्रभाव। तो देखो, सबसे पहले ठोस को द्रव में जब रूपांतरित करते हैं, द्रव को गैस, द्रव का गैस में रूपांतरित होना जिस टेम्परेचर पर होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, द्रव से जब गैस बनती है तो अपन बोलते हैं कि आयतन बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो डेल वी यानी V2-V1 अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, यह आपका पॉजिटिव प्राप्त होगा। आपका क्या होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। टी अपना जैसे मान लो पॉजिटिव होता ही होता है, केल्विन में लेंगे तो L12 ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदले तो वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मान यहाँ पर जब मैं रखता हूँ तो dP/dt इक्वल टू क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव आने का अर्थ क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़ा दोबारा बोल रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि पी के बढ़ने पर टी बढ़ेगा या पी के कम होने पर टी भी कम होगा, इसका अर्थ यह है। इसको आप हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलन, कौन सा पॉइंट है, क्वथनांक बढ़ता है, या फिर इसका उल्टा बोलें दाब को कम करने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक कम होता है,
यानी दाब कम क्वथनांक कम, दाब ज़्यादा तो क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक बात है। इसके बाद में इसका भाग नंबर टू करते हैं, क्वथनांक पर, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक तो कर लिया, गलनांक पर, गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हो या ठोस से द्रव में बदलते हो तो उसका आयतन बढ़ता है। यहाँ पर पानी एक अपवाद है, पानी क्या है, एक अपवाद है। पानी को छोड़कर, जल को छोड़कर, जल को छोड़कर होता क्या है कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर या फिर ठोस से द्रव में जाने पर, ठोस से द्रव में जब जाते हैं तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो डेल भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यही बात वहाँ लिखूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू पॉजिटिव। और इसका अर्थ थोड़ी देर पहले भी क्या बताया था, इसका अर्थ ये है कि पी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, पी घटेगा तो टी घटेगा। यानी ऐसे पदार्थों के लिए जिनका आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक है वो बढ़ता है, दाब घटाने पर गलनांक कम होता है। लेकिन जल के लिए विशेष केस है, जल के लिए, जल के लिए अपन जब बर्फ से जल बनाते हैं तो आयतन कम होता है, आयतन कम होता है। एक ये किसी कंपटीशन के लिए आपने पढ़ा भी होगा कि पानी का घनत्व तो सर्वाधिक कब होता है, यानी आयतन न्यूनतम कब होता है, तो अपन पढ़ते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा, तो वैसे याद कर सकते हो। बर्फ से जब जल बनता है तो आयतन क्या होता है, कम होता है। आयतन कम होगा तो डेल वी आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल वी नेगेटिव होते ही आप लिखोगे डी पी अपॉन डी टी है, वो भी आपका क्या जाएगा, नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। यह ध्यान रहे कि ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि अपन लोग जानते हैं V2 - V1, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन कम है प्रारंभिक ज़्यादा है, तो ये आपका नेगेटिव। और अब आओ इसमें, यह नेगेटिव होने का अर्थ क्या है कि दाब बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, दाब कम, ये उल्टा संबंध होगा अपना। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पानी का या बर्फ का दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है, बर्फ का दाब कम करने पर गलनांक बढ़ता है, उल्टा बोला है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।